हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए, और इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को जितना हो सके उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब टाइम भी नहीं है। अगर अभी भी नहीं देखी तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो भी आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर सीटेट की तैयारी कर रहे हों। देखो, सीटेट की बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, स्टिल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें बोलते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, उनका कहना था कि दी सीटेट पे वीडियो बनाओ, मतलब कि पढ़ाओ, ठीक है, जैसे आप एमएससी का पढ़ाते हो हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, पढ़ाते हैं, क्योंकि बीएड कर रखी है तो मेरे लिए भी वो चीज़ ठीक है, ईजी है। तो मैंने वीडियोस देखी टेट की, ठीक है, चैनल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत चैनल देखे हैं, एक चैनल की बात नहीं कर रही हूँ आज मैं, पूरे दिन मैंने वही देखा। और वो देख के मेरा माइंड इतना स्ट्रेस्ड हुआ था कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो एक लाइन में आप सभी सी टेट के स्टूडेंट से कह रही हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पे भी। मैं भी कल को सी टेट की वीडियो बनाऊंगी, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, मेरी एक से दो वीडियो देख लो, और अगर आपको लगे कि अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको वो हेल्पफुल लगे अंदर से, तो ही मेरे चैनल की और सी टेट की वीडियो देखना, वरना मत देखना। क्लियरली ये बात कहूँगी, और ये सभी चैनल्स पे लागू है। हर एक चैनल को जब देखो जब वो आपको अच्छे से दे रहा हो। पता क्या है, यहाँ पे भी यूट्यूब पे आके टीचर क्या करते हैं, थ्योरी लेते हैं और उसे आपको समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, वो चीज़ करेक्ट है। ये चीज़ अगर आप बीएड में पढ़ाओ, एमएससी में पढ़ाओ, बीएससी में पढ़ाओ तो ठीक चलती है, बट यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, और जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, पैटर्न, कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आपका पेपर कैसे आना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, और इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट डू दिस विद स्टूडेंट्स, उनका टाइम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसे कुछ भी एवी पढ़ा के वेस्ट मत करो। 5 जुलाई का पेपर है, टाइम ही नहीं है स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स आप पे बिलीव कर रहे हैं, आपको 2-2 घंटे दे रहे हैं, उनकी वीडियो 1 घंटे से कम नहीं होती, और मान के चलो 5 से 7 स्टूडेंट्स पर आवर उन्हें देख रहे हैं, तो कितना टाइम अपना दे रहे हैं, वो भी जब जब वो यूज़फुल ही चीज़ें नहीं हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट क्या करते हैं, जो यूपी टेट में पढ़ा रहे हैं वही सी टेट में पढ़ा रहे हैं। इतना माइंड आप टीचर्स में भी होना चाहिए, और मैं कहूँगी उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स में होना चाहिए, कि पेपर कैसे आता है। यूपी टेट और सी टेट दोनों का पेपर उठा के देख लो, धरती आसमान का अंतर है उनके पैटर्न को पूछने में। सिलेबस सेम है बट अंतर बहुत ज़्यादा है। यूपी टेट और सी टेट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, 5% आपको मिलता, जो सेम है ना वो 5% मिलेगा, बाकी 95% आपका अलग अलग मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता स्टूडेंट्स कैसे इतना देख रहे हैं, मिलियन मिलियन देख रहे हैं आधे आधे एक एक घंटे की वीडियो को, जिसमें कुछ भी यूज़फुल नहीं है सी टेट के लिए, ठीक है। थ्योरी ली, यूपी टेट का पढ़ा दिया, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं फॉर यूपी टेट, बट सी टेट का फंडा बिल्कुल अलग है, ऐसा होता ही नहीं है। सबसे पहले कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को, कोई भी यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है, पहले ये देखो क्या वो आपको ये बता रहा है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब तुक्के से बहुत सारे तो इतना माइंड लगाते हैं कि थ्योरी पढ़ा दी, उसमें से पूछ लेंगे कि यही पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जबकि वो होता ही नहीं है। पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, 5 से 6 स्टूडेंट्स से कह रही हूँ, जब वो देख लो तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि पेपर बनता कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद किसी यूट्यूबर की वीडियो देखो, और जो यूट्यूबर आपको वो चीज़ बता रहा है, जो क्वेश्चन आपने देखे, उस पर बिलीव करो, अदरवाइज किसी पे मत करो। क्योंकि अगर आपको पढ़ाने मैं आ रही हूँ यूट्यूब पे, या कोई आ रहा है, उसे अपनी तैयारी रखनी चाहिए, उसे पहले वेल स्टडी करनी चाहिए, अच्छे से सर्च करना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि 2 महीने हैं, 3 महीने भी लगा लो, बट आपका एक एक मिनट वैल्यू रखता है, आप उस मिनट को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज़ वैल्यू रखती है, स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में, सी टेट हो या यूपी टेट हो या एच टेट हो। तो प्लीज़ अच्छे से अपना माइंड यूज़ करके स्टडी करो, जो टीचर आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा है वो आपको इजीली समझ आ जाएगी, बट आप ये भी तो देखो उसने रिसर्च कितनी की है, वो आपको ये कितना बता रहा है कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे या ऐसे नहीं बनेंगे या क्या पूछा जाएगा, उस चीज़ पर बिलीव करो और तब तैयारी करो। आप देखो आपका सी टेट 100% क्लियर होगा।